हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 एडिशन। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको इवन नंबर्स एंड ओड नंबर्स के बारे में बताया था। अब हम पढ़ेंगे एडिशन। नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 14। तो एडिशन करने के पहले सबसे पहले आपको उसको क्या करना, अरेंज करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप, एड द वंस, वंस जो फ्रेज होती है उसको एड करना है। थर्ड स्टेप में एड द टेंस, मतलब टेंस जो फ्रेज है उसको आपको एड करना है। तो क्वेश्चन थे तो हम समझेंगे इसको कि टेंस प्लेस और वंस प्लेस क्या होती है। ये एडिशन का साइन है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अरेंज द, तो ये तो ऑलरेडी आपका अरेंज ही है, तो इसको आपको अरेंज नहीं करना है। एट द वंस, वंस मतलब ये वंस प्लेस है, तो ये आपकी कौन सी प्लेस है, टेंस प्लेस है। तो हम पहले वंस प्लेस को एड करेंगे। 5 में 2 को प्लस करना है। अगर आपको 5 में 2 को प्लस करना है तो 5 के बाद 2 टाइम्स आपको काउंटिंग करनी है। कितने टाइम्स काउंटिंग करनी है, 2 टाइम। तो 5 के बाद कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 6 एंड 7। तो ये आगे आपका यहाँ क्या राइट करना है, 7। ऐसे 2 और 4 को काउंट करना, प्लस करना है, तो 2 के बाद काउंटिंग करें 4 टाइम्स, या 4 के बाद काउंटिंग करें 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स काउंटिंग इजी रहेगी। 4 के बाद बोलना शुरू करें 5 एंड 6, तो ये आपका हो जाएगा 67। इस टाइप से आपको एडिशन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, फोर प्लस फोर, फोर के बाद 4 टाइम्स आपको काउंटिंग करनी, 5, 6, 7, 8। तो ये हो गया 8। यहाँ पर भी 3 प्लस 4 है, तो 4 के बाद अगर मुझे 4 के बाद इसके बाद काउंटिंग करनी, तो 3 फिंगर्स लेंगे, तो 3 फिंगर्स, 4 के बाद काउंटिंग करनी 5, 6, 7, 78। अब यहाँ पर 1 प्लस 7, 7 के बाद 1 काउंटिंग करना है, 7 के बाद क्या था, 8, हमने 8 लिख दिया है। यहाँ पर 5 के बाद 1 टाइम्स काउंटिंग करना, 5 के बाद क्या था, 6, तो ये हो गया 6, 6 टू 8। जो बीगर नंबर है उसके बाद से आपको काउंटिंग करनी है। जैसे 6 के बाद कितनी काउंटिंग करनी है आपको, 3 टाइम्स, तो 6 के बाद क्या, 3 टाइम्स करनी, तो 3 टाइम्स 6, 7, 8, 9। 6 के बाद 1 टाइम्स काउंटिंग करनी है, 7, 79। उसके बीच रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं। लास्ट वाली जो स्टेप से सेकंड रो, थर्ड रो आपको करनी है, फोर्थ रो आपको करके रखना है। 1, 8, 3, 1, 4, 0। देखिए 8 प्लस 1, 8 के बाद क्या आ रहा है, 9, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया आपका, 9।
थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर, फोर में फोर प्लस करेंगे फाइव सिक्स सेवन एट, ये क्या हो गया आपका 89। फाइव प्लस थ्री फाइव सिक्स सेवन एट और वन नाइन। फाइव प्लस टू तो जो बिगर नंबर है उसमें प्लस कर दो, स्मॉलर में करेंगे तो काउंटिंग ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो फाइव बिगर नंबर है फाइव प्लस टू कर दो फाइव सिक्स सेवन एट। ऐसे इसमें भी थ्री और थ्री कितना हो गया, थ्री के बाद दिन है फोर फाइव सिक्स फिर टू टाइम्स सेवन एट, फाइव के बाद काउंटिंग करें सिक्स सेवन एट नाइन। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 42 पर एक्सरसाइज फाइव है, उसमें भी एडिशन ही है आपको। यूज द 10x10 नंबर ग्रिड टू एड, मतलब आपको 10x10 नंबर ग्रिड यूज करनी है एड करने के लिए। देखिए आप इसको कैसे करेंगे, 32 तो 2 प्लस 4 कितना होगा 6, 3 वैसे भी 9 प्लस 5 6 10 11 12 13 14 14 का 4। अब आप इसमें अभी तक मैंने आपको केरीज ओवर वाले नहीं बताए, तो आप इसमें 14 का 4 और 1 केरी हो गया तो 4 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ 5, 1 में 0 का प्लस करते तो 1, किसी भी नंबर में अगर जीरो का प्लस किया जाता है जीरो का एडिशन किया जाता है तो वो नंबर ऐसे ही राइट होता है। थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव, फाइव में जीरो का प्लस करेंगे तो फाइव का फाइव आना है, फाइव प्लस फोर सिक्स सेवन एट नाइन। उसके बाद आते हैं एडिशन द थ्री डिजिट, पेज नंबर 43 पर। थ्री डिजिट का आपको एडिशन करना है, तो थ्री डिजिट का एडिशन करने के लिए आपको क्या करना है, पहले अरेंज द गिवन नंबर्स इन कॉलम ऑफ टेन्स एंड वन्स, फिर वन्स को ऐड करना है फिर टेन्स को ऐड करना है। देखिए इसमें आप क्या करेंगे, आप इसमें थ्री डिजिट का एडिशन करने के लिए पहले वंस को क्लियर, हम
एड करते, 4 प्लस 2 4 5 6 फिंगर पे आप करें 6, 1 प्लस 2 1 और 2 3 3 और 3 कितने हो जाएंगे आपके 6, ऐसे 4 प्लस 2 कितने हो गए 6, 0 को कुछ नहीं करना है आपको, 0 एज इट इज ही रहेगा क्योंकि 0 में किसी भी नंबर का एडिशन करते हैं तो वो नंबर ऐसे ही आता है, 5 प्लस 2 7 और 1 8 हो जाएगा, 2 3 प्लस 2 5 और 1 6, 5 और 3 8 और 1 9, मतलब एडिशन में अगर 3 डिजिट है 3 आपको नंबर से तो उसको कैसे करते हैं शॉर्टर मेथड, पहले वंस का अपन एडिशन करें फिर टेंस का एडिशन करें, ओके। एक और एडिशन है यहां पर, आगे का चैप्टर एक्सरसाइज में नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। थैंक्स।